क्या आपको पता है कि आपका जो डीवीडी प्लेयर है उसके साथ में आपका पीसी का मॉनिटर कनेक्ट हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये हमारे पास पीसी का मॉनिटर एंड दोस्तों ये है डीवीडी प्लेयर। तो दोस्तों इसे हम आपस में कनेक्ट करने वाले हैं, पूरी प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा नाम है संजू, आप देख रहे हैं लर्निंग बाबा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो। दोस्तों डीवीडी प्लेयर को मॉनिटर के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर जरूरत होगी एक HDMI केबल की। अगर आपके पास VGA केबल हो तो उससे भी काम चल जाएगा। कैसे चलेगा वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। एंड दोस्तों RCA केबल की एक जरूरत होगी, इस तरह की केबल होती है RCA, तो इसकी भी हमें यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो इसके अलावा आपको एक कन्वर्टर की जरूरत होगी। जी हाँ दोस्तों, RCA to HDMI पोर्ट वाला कन्वर्टर। इतनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, इनमें से अगर कोई भी चीज नहीं है तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप इसे परचेस कर पाएंगे। आपको इनपुट आउटपुट पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं डीवीडी प्लेयर के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक तो ये वीडियो का सेक्शन है, यहाँ पर इस वीडियो के सेक्शन में येल्लो वाले में येल्लो पिन को अटैच कर देना है और रेड वाले में रेड पिन को अटैच कर देना है, जहाँ पर आपका लेफ्ट स्पीकर और राइट स्पीकर, ये देखिए लेफ्ट स्पीकर एंड राइट स्पीकर का यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर इस तरीके से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपका ऑडियो और वीडियो अब यहाँ से जाना शुरू हो गया है। तो इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। आपको जाना है इसके पीछे, जो ये आपका मॉनिटर है, तो मॉनिटर के पीछे आप देख सकते हैं कि आपके मॉनिटर में या तो HDMI पोर्ट होगा या BGA पोर्ट होगा, और हो सकता है कि दोनों पोर्ट हों आपके मॉनिटर के पीछे। तो फिलहाल इसमें दोनों पोर्ट हैं, आप जिससे चाहें उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम HDMI से कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको HDMI केबल का एक पोर्ट लगा देना है। मैंने यहाँ पर HDMI पोर्ट का एक केबल पोर्ट लगा दिया है। अगर आप BGA केबल है आपके पास तो आप BGA में लगा दीजिए, इसे HDMI को मत लगाइए। यह है HDMI केबल का इनपुट जो हम डिस्प्ले में देने वाले हैं, यानी मॉनिटर में देने वाले हैं। एंड दोस्तों ये जो है आउटपुट है जो DVD से निकल रहा है वीडियो का आउटपुट, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए यानी कनेक्ट करने के लिए आपको एक ज़रूरत होगी कन्वर्टर की, जिसका नाम है RCA to HDMI कन्वर्टर। तो इसको आपको परचेस करना होगा। इन दोनों को बीच में लगा दोगे आप तो आपका जो मॉनिटर है वो एज ए TV वर्क करने लगेगा DVD प्लेयर के साथ में। अगर दोस्तों आप BGA पोर्ट पर कनेक्शन कर रहे हो तब आपको वहां पर RCA to BGA कन्वर्टर की जरूरत होगी। इस तरीके से आपको सारे कनेक्शन करने हैं, और जितने भी मतलब मैंने आपको RCA केबल, HDMI केबल, BGA केबल एंड कन्वर्टर्स जो बताए हैं, वो उनके सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो आइए दोस्तों ये पूरी प्रोसेस आपके समझ में आ गई होगी। अगर आप फिर भी कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। एंड तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।